सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, राई और मेथी दाने को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कलौंजी को हम सबसे आखिर में डालेंगे। मेथी दाना और राई को हम पहले ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल देंगे क्योंकि ये ज़रा देर में होता है। और फिर इसके बाद हम इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ डालेंगे और इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसको ड्राई रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये सब चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। अब ये इसमें कुटी मिर्च, नमक, हल्दी, कलौंजी और आमचूर पाउडर है। हमने ये एक पाव के करीब गाजरों को इतनी लंबाई में काट लिया है। इसका हमने पील वाला हिस्सा निकाल दिया है। अब इसमें हमने जो मसाला ड्राई रोस्ट किया था वो डाला है। इसके साथ ही हम इसमें कलौंजी, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और आमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और नमक नॉर्मल सॉल्ट। हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे, एयरटाइट कंटेनर में, और सरसों के तेल को पका के ठंडा करेंगे और फिर हम इसको अचार में शामिल कर देंगे। इसको कंटेनर में शिफ्ट करने के बाद, तेल डालने के बाद, आप इसको अपने किचन काउंटर पे 4-5 दिन